हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है। किस प्रकार की मशीन है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? तो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, जो गणितज्ञ थे। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? तो वह है चार्ल्स बेबेज। एबाकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था किसने? चीनियों ने। एबाकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? चीनियों ने। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था किसने किया था? पास्कल ने, जो कि फ्रांसीसी थे और ये भौतिकी था। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? 1642 में पास्कल ने किया था, जो कि फ्रांस का था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था किसने? जेपी एकर्ट ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था किसने? विलियम सी लायथ ने। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 1981 में किसने किया था? विलियम सी लायथ ने। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था सन 1833 में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है किसमें? मेमोरी में रखता है। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, मतलब हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है किसमें? मेमोरी में रखता है। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है कहाँ पर? CPU में। कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? CPU में स्थित होती है। और CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? CPU का तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नीचे आएगा कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी होता है कितने? दो प्रकार का। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार का होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती, क्या कहलाती? कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती कर्सर कहलाती है। और सेकेंडरी मेमोरी होता है कितने प्रकार की? चार प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार की होती है। और रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का विस्तृत रूप है क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का विस्तृत रूप क्या है फ्रेंड्स? तो वह रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है कितनी? 101। कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 101 होती है। और कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या? तो है कुंजी का पटल। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? शटडाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटडाउन कहलाती है। और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है बूटअप। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटअप। और बंद करने की कहलाती है शटडाउन। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो कहते हैं CPU को, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और मॉनिटर को कहा जाता है क्या? VDU। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? VDU कहा जाता है। फंक्शन कीज की संख्या होती है कितनी? 12। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। फोरट्रान का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया था? फोरट्रान का सबसे पहले प्रयोग मेन फ्रेम हेतु। फोरट्रान का सबसे पहले प्रयोग किया था मेन फ्रेम हेतु। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन।
मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, ये एमसीआईआर का शाब्दिक अर्थ है। आगे देखते हैं, एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती क्या? डिजिटलाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती? डिजिटलाइजेशन। और भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है किसके? 8 bytes के। ASCII में एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है? 8 bytes के। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी? आयरन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर परत किसकी होती है? तो होती है आयरन की परत। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है क्या? 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग किसका होता है? 0 और 1 का। फ्रेंड्स ऊपर देखिएगा, चुंबकीय डिस्क पर परत किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। चुंबकीय डिस्क पर परत किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। ओके, 1 KB किसके बराबर होता है? 1 KB तो होता है 1024 byte के। ये चलता रहता है। 1 KB बराबर होता है 1024 byte के। 1 MB बराबर होता है 1024 KB के। और 1 GB बराबर होता है 1024 MB के बराबर। और 1 TB होता है, टेटाबाइट, वो होता है 1024 GB के बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो में वो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।